देश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में दुनिया भर की मीडिया की नजरें हमारे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। लंदन में छपने वाली एक वीकली मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में लोकसभा चुनाव को लेकर एक आर्टिकल छपा है, जिसकी चर्चा इस समय जोरों शोरों से पूरे देश में हो रही है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि क्लास पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और ताकतवर शासन की वजह से भारत में अभिजात वर्ग में नरेंद्र मोदी की काफी प्रशंसा हो रही है और शिक्षित मतदाताओं के बीच नरेंद्र मोदी काफी मशहूर हो चुके हैं। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में कहा गया है कि जब भारत के शिक्षित मतदाताओं के बीच नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात आती है तो उनकी अप्रूवल रेटिंग काफी बढ़ जाती है और दुनिया के नेताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता काफी ज्यादा तक बढ़ जाती है। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि अक्सर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप जैसे दक्षिणपंथी नेताओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन मोदी कोई साधारण तौर पर मजबूत नेता नहीं है, बल्कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए संस्थान विरोधी लोग समर्थन देते हैं, भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिससे ये समझने में मदद मिलती है कि आज भी वो किसी प्रमुख लोकतंत्र के सबसे प्रमुख नेता क्यों हैं। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल के मुताबिक भारत में हुए पिछले आम चुनावों के बाद पोलस्टर के सर्वे में पता चलता है कि 42% डिग्रीधारियों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्राथमिक स्कूल जाने वाले 35% मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। वहीं राज्यों में हुए चुनाव भी इस सर्वेक्षण रिजल्ट को फॉलो करते हैं। जैसे कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में 35% शिक्षित मतदाताओं ने मोदी और बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। आर्टिकल में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के समकक्ष इस दौरान देश के मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन मोदी की लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ी है और इसके लिए तीन फैक्टर्स सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तीनों फैक्टर्स मोदी की बड़ी लोकप्रियता में हैं। इन तीन फैक्टर्स में से सबसे पहला आता है क्लास पॉलिटिक्स, दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर पर ताकतवर शासन। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में बीजेपी ने खुद को जातीय राजनीति से ऊपर उठाकर खुद को संपूर्ण हिंदू पार्टी बना लिया है। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मोदी लोकप्रियता की दूसरी वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का बेहतरीन प्रदर्शन। साल 2023 के आखिरी तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 8.4% था और गोल्डमैन सैक्स ने इसे समृद्ध भारत का उदय करार दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि साल 2011 के मुकाबले साल 2023 में $10,000 से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ हो गई है और 2027 तक ये संख्या 10 करोड़ को पार कर जाएगी। द इकोनॉमिस्ट ने इस आंकड़े का हवाला देते हुए कहा है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को समर्थन बरकरार रखा है जो अमीर हो, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दुनिया की राजनीति में भी भारत के कद और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका को बढ़ाया है। चीन के खिलाफ बनने वाले गुट ने दिल खोलकर भारत का समर्थन किया है और इसके लिए मोदी सरकार का ताकतवर शासन है। लोग मानने लगे हैं कि ताकतवर शासन उस तरह का है जैसा उसे होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का तीसरा कारण बताते हुए आर्टिकल में कहा गया है कि भारत की शिक्षित अभिजात वर्ग मोदी की विदेश नीति को राष्ट्रवादी लेकिन व्यावहारिक मानता है। आर्टिकल में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2021 में 4 नए व्यापारिक सौदों की घोषणा की और हाल ही में 10 मार्च को 4 गैर यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड की बातचीत चल रही है और भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ लीडर के तौर पर स्थापित किया है। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में कहा गया है कि ज्यादातर अभिजात वर्ग में कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी अपनी विश्वास खो दिया है और ये वर्ग उन्हें वंशवादी और आउट ऑफ द रीच मानता है। हालांकि अभिजात वर्ग एक मजबूत विपक्ष चाहता है जो प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ सके, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ चुनाव से पहले जिस तरह विदेशी मीडिया मोदी और बीजेपी को लेकर हमलावर है, ऐसे में द इकोनॉमिस्ट के इस आर्टिकल ने चर्चाओं का कारण अपने आप को बना रखा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 400 सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखा है और भारत में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच नई लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।